गाइस ये रहे बाबा केदारनाथ का मंदिर और ये रहे नंदी जी, और यहाँ पे हम आए थे दर्शन करने के लिए। फॉग ही फॉग है। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत करता हूँ फिर से आप लोग का एक नए ब्लॉग में। अभी मैं रुका हुआ था गौरीकुंड में और अभी मैं निकल रहा हूँ बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। और आप देख सकते हैं सुबह के 4:47 हो रहे हैं और मैं 4 बजे जग गया और आज मैं निकल रहा हूँ बाबा केदारनाथ के लिए। 20 किलोमीटर की पूरी खड़ी ट्रैकिंग के बाद मैं पहुँचूँगा बाबा केदारनाथ के दर्शन पे, वो भी मैं अपनी साइकिल के साथ जा रहा हूँ। भाई के साथ पिछले दिन मुलाकात हुई थी, यहाँ पर रुका हुआ था। तो यार मतलब बहुत खड़ी चढ़ाई है, क्या ही बताए, लेकिन फिर भी कुछ ना, बाबा के आगे सब कुछ आसान ही है, बस उनका आशीर्वाद रहेगा तो बहुत अच्छे से पहुंच जाएंगे। तो आइए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और बाबा केदारनाथ पहुंचते हैं हम लोग। वहाँ पे बहुत ठंड है, बीच में बारिश, ठंड सब कुछ मिलेगा, पूरी खड़ी चढ़ाई सीढ़ी, मतलब इस तरह तो लेके चलना आसान है लेकिन सीढ़ियों पर चलना बहुत मुश्किल है। ये आप देख सकते हैं रात के 4:45 रहे हैं भाई साहब, हालत खराब हो रही है हमारी, तो सोच के हालत खराब हो रही है, पर कोई ना, आइए चलते हैं। भाई मैंने सोचा ना चाय और पकौड़े खा के यहाँ से फटाफट निकलता हूँ। गाइस ये रहा इधर का कुछ नज़ारा और मैं चल रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है। गाइस मॉर्निंग हो चुका है और हो रही है बारिश और यहाँ से आई 11 किलोमीटर की ट्रैकिंग। ये कैमरा मेरा थोड़ा पकड़े रही है, मैं आगे आगे चल रहा हूँ। अभी चलते हैं। यस तो अभी बचा है 11 किलोमीटर की ट्रैकिंग और हो रही है बारिश, बहुत मुश्किल है। हमारे साथ हरियाणा के पानीपत से भैया मिल गए हैं जो कि हमारे साथ चल रहे हैं। अभी यार ऐसी ट्रैकिंग है यार, बिना बिना कष्ट का महादेव दर्शन नहीं देंगे। गाइस ये देखो हम यहाँ पे आ गए और रामबाड़ से पहले ना दो रास्ते मिलते हैं जो कि एक रामबाड़ होते हुए वो पूरी खड़ी चढ़ाई है, वो भी सीढ़ियों के साथ। तो अगर आप साइकिल के साथ आते हो तो यहाँ से दो रास्ते मिलेंगे, तो आप नीचे वाला रास्ता ले लो। नीचे वाला रास्ते में सीढ़ी नहीं है, थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस पड़ेगा तो हम इजीली मतलब चला सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला क्या है ना कि सीढ़ी रहेगा ना यार, तो सीढ़ियों में चढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं चढ़ा के लेके आया, भाई हालत ख़राब हो गई, लेकिन कोई ना, पता मतलब ऐसा ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं थक चुका हूँ, मज़ा आ रहा है। तो अभी इस वाले रास्ते से जा रहा हूँ, अब तो और मज़ा आएगा। गाइस वो देखो उतना नीचे से हम लोग आ रहे हैं, बहुत अभी समथिंग 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 4 या 5 किलोमीटर के ऊपर जाऊँगा तो बराबर रास्ता आ जाएगा जहाँ पे मतलब मैं साइकिलिंग कर सकता हूँ। लेकिन नहीं यार ठीक, आराम से चलेंगे। लेकिन यार मैं बहुत फास्ट आ गया, पता नहीं क्यों, मैं 5 बजे चला था, 9:30 बज रहे हैं अभी और आधे घंटे तो मैंने रेस्ट किया था, अपना ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन ये नज़ारा ना भाई पैसे से नहीं मिलता, मज़ा आ जाए। सोलो ट्रैवल ट्रैकर भाई, हाँ एकदम आ गए हो भाई, देख लो सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव भाई, हर महादेव। किस नाम से भैया यूट्यूब तो गाइस मैं ना अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गया हूँ, तो मुझे मिला है पराठा जो कि ये काका की शॉप है और ये मेडिकल स्टोर के जस्ट सामने ही है। हम केदारनाथ जब रास्ते में जाते हैं तो ये रहे काका, और काका आपका पराठा बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया खा के, मज़ा आ गया, बहुत मस्त। गाइस ये देखो हम इतना ऊपर आ गए हैं और कुछ लोग हेलीकॉप्टर से भी आ रहे हैं, लेकिन देखो हम सबसे ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से महज 3 किलोमीटर की दूरी है, मतलब अब थोड़ी सी 100-200 मीटर बाद पूरा बराबर रास्ता आएगा, तो मुश्किल से आधे घंटे या 1 घंटे में हम पहुँच जाएंगे।
गाइस यहाँ तो यहाँ से है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ बाबा श्री केदारनाथ जी का मंदिर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट, और पीछे का व्यू आप देखो चारों तरफ स्नो, और ये देखो इधर का व्यू यार, बादलों से भी हम लोग ऊपर हैं। काफ़ी क्या ही कहें यार, मज़ा आ गया। बहुत बहुत भाई मेहनत लगाई यहाँ तक, इस मज़े को लेने के लिए बहुत मेहनत लगाए। और ये देखो इधर सारा टेंट कॉलोनी है, काफ़ी अमेजिंग मज़ा आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल अभी यहाँ से समथिंग 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है बाबा का मंदिर, फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे। तो फाइनली आप देख सकते हो हम बाबा के धाम में एंटर कर चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं बाबा का दर्शन करने। तो आइए तो गाइस अभी फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं बाबा के आसन पे, बहुत मेहनत करके पहुंचा और फिलहाल बाबा के आसन पे पहुँच गए। गाइस दर्शन कर लो बाबा का, बहुत मेहनत से दर्शन हो पा रहे हैं आप लोगों का, क्योंकि बहुत मेहनत करके यहाँ पे लोग आते हैं, और हम भी मेहनत करके आ रहे हैं, आप भी आ रहे हो, आप भी मेहनत करके आओगे, दर्शन कर लो। और ये देखो आजू बाजू का एरिया पूरा, अभी मेरी साइकिल के साथ काफ़ी लोग फोटो वीडियोज वगैरह खिंचवा रहे हैं, तो इसी रीज़न ही। तो ये रहे बाबा, और यहाँ पे चल रहा था भंडारा, हमें लगी थी भूख क्योंकि हम सुबह से ट्रैकिंग पे निकले थे अपनी साइकिल के साथ। तो अब खाते हैं, और ये प्रदीप भाई के साथ मज़े करते हैं 2-3 दिन। गाइस तो अभी ऐसा है ना कि अभी हम लोग बाबा केदारनाथ के मतलब धाम पे ही हैं, और यहाँ पे ना कुछ लोगों ने मतलब धरना प्रदर्शन किए हैं, और वो धरना प्रदर्शन इसलिए हुआ है क्योंकि 2013 में जो बाढ़ आई थी ना, उस बाढ़ के दौरान जिन लोगों के यहाँ पे होटल घर थे, उस नुकसान जो हुआ सरकार ने अभी तक कोई राहत कोष नहीं दिया है। और दूसरी बात यह है कि अभी सरकार का अभी इस टाइम पे करंटली 2023 का करंट अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ 17 सितंबर का, वो अभी ये आजू बाजू के जितने भी घर है वो तोड़ के अपने तरीके से बनाना चाहते हैं, और वो फिर अपने अंडर में मतलब लेना चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंटेड एरिया पूरा करना चाहते हैं, जो कि इसका यहाँ पे अधिकार यहाँ के पुरोहित लोगों का है, और ये सत्य बात है, रहना भी चाहिए वहाँ के यहाँ के लोगों का अधिकार। और मंदिर में 230 केजी का सोना है, जो कि गवर्नमेंट उसको 23 केजी का सोना बता के मतलब कुछ घपाला चाहे जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है, मेरा ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जो भी इन लोगों ने बताया जो भी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी होगा बाबा केदारनाथ एक सत्य के रास्ते पर एक मतलब सही मतलब चीज़ें ये डिसीजन निकालेंगे, इन लोग को देंगे, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा। तो अभी हम बाबा केदारनाथ के टेंपल पे हैं, और यहाँ पे धरना हुआ है, और ये देखिए अभी इधर का वेदर कितना ख़राब हो गया। तो ऐसी रही आज की हमारी जर्नी, अभी हम यहाँ पे हैं, और आज हम नाइट में देखते हैं कहाँ पे स्टे करते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तो गाइस अभी ना हम यहाँ पे आए थे, तो आज हम लोगों ने सोचा ना कि बाबा का दर्शन तो हम करने के लिए आए ही हैं, क्यों ना एक छोटा सा अच्छा काम भी कर लिया जाए। तो हम लोग ना यहाँ पे जितने भी रैपर्स प्लास्टिक वगैरह है उसको हम लोग क्लीन कर रहे हैं, ताकि बाबा के धाम पे अगर कोई भी दर्शन करने के लिए आए तो उसे साफ़ सुथरा जगह मिले, थोड़ा अच्छा लगे उसे भी यहाँ पे आके कि नहीं हम बाबा के धाम पे आए हैं दर्शन करने के लिए। अभी हम लोग यहाँ पे सभी जितने भी रैपर्स वगैरह सब कुछ क्लीन करने के लिए जुट चुके हैं। गाइस ये रहे बाबा केदारनाथ का मंदिर, और ये रहे नंदी जी, और यहाँ पे हम आए थे दर्शन करने के लिए। तो आप फिलहाल यहाँ पे आप दर्शन कर चुके हो, और आज हमारा डे दूसरा है, और हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए रुके हुए थे। ये आप देख सकते हो चारों तरफ फॉग ही फॉग है। तो गाइस आज की हमारी नाइट स्टे इस एक टेंट में है, और एक वो टेंट है, और अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं फिर से एक बार बाबा का दर्शन करने के लिए, और बाबा का टेंपल वहाँ पे एकदम सामने यहाँ से दिख रहा है,
हालांकि गोप्रो में क्या होता है कि ये वाइड एंगल होता है तो उतना जूम करके नहीं हम दिखा सकते, लेकिन यहाँ से टेंपल दिख रहा बाबा का। तो अभी आज हम जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे हम लोग? भैरवनाथ टेंपल पे। वासुकी ताल जाने का प्लान था बट वेदर थोड़ा ख़राब है, लैंड स्लाइडिंग के डर है और प्लस ये भाई का हेल्थ इशू है, तो हम चलते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये रहे बाबा काल भैरव जो कि शिव के पाँच शिव जी के पाँचवें अवतार थे। और यहाँ से आप देख सकते हो बाबा केदारनाथ, मतलब दोनों लोग एक दूसरे के सामने हैं और दोनों लोग का दर्शन एक ही साथ हो जा रहा है। तो गाइस ये आप देख सकते हो यहाँ पे हो रही है बाबा की आरती और हम सम्मिलित हुए हैं आरती में। तो एक बहुत ही भाग्यशाली मैं इंसान हूँ कि जो बाबा ने ये मौका मुझे दिया है आरती में सम्मिलित होने का। तो बाबा का तहे दिल से धन्यवाद और बोले एक बार प्यार से हर हर महादेव।